हाय नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से वोटर कार्ड किस प्रकार अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। अगर आपका उम्र 18 साल है और आपने अभी तक भी अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे कि वोटर कार्ड को अपने मोबाइल या लैपटॉप से किस प्रकार अप्लाई करना है। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा इसमें, और साथ में पूरा फुल प्रोसेस आपको आप स्किप ना करें वीडियो को। आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि वोटर कार्ड को आपको अपने मोबाइल से ही किस प्रकार अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और वोटर कार्ड को जो है अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है अपने फ़ोन में यहाँ पे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्ले स्टोर में आने के बाद आपको मिलेगा। आप यहाँ पे प्ले स्टोर में आएंगे पहले और यहाँ पे सर्च करेंगे वोटर हेल्पलाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं वोटर हेल्पलाइन, इस वाले एप्लीकेशन को सबसे पहले अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। और मेरे फ़ोन में पहले से हम इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है पहले नंबर ऑप्शन पे ही आपको देखने को मिलेगा वोटर रजिस्ट्रेशन। हम इस पर ओके करेंगे, और ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6, यही वाला जो ऑप्शन है आपका वोटर कार्ड को यहाँ से अप्लाई करना होगा। तो हम वाले इस वाले ऑप्शन पे ओके करते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल से आप लेट्स स्टार्ट पे यहाँ पे ओके कर देंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक नंबर डालेंगे जो कि हमारे पास वो वैलिड नंबर एक यहाँ पे डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो आधार से लिंक ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी एक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो सही रहेगा, आप वही नंबर डालें। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई सा भी एक नंबर डालेंगे। और नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे ओके करेंगे। सेंड ओटीपी पे जब हम ओके करेंगे तो आपके जो नंबर यहाँ पे टाइप किया है उस वाले नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे जो है डालना पड़ेगा। तो मैं सेंड ओटीपी पे ओके करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ओटीपी मेरे फ़ोन में यहाँ पे आ चुका है। हमने यहाँ पे ओटीपी जो है फिल किया, और फिल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे जो है वेरीफाई का जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में ओटीपी नहीं जा रहा है तो नीचे में रीसेंड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। रीसेंड ओटीपी पे करिएगा, आपका ओटीपी अवश्य जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ओटीपी फिल करने के बाद हम यहाँ पे वेरीफाई पे ओके करेंगे। तो मैं वेरीफाई पे ओके करता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई पे ओके करने के बाद आपका फिर आगे का जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और नीचे पे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा नो आई ऑलरेडी हैव ए वोटर आईडी। तो हमें जो है पहले वाले ऑप्शन के साथ आगे जाना होगा। यहाँ पे यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे नेक्स्ट पे ओके कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम एक एक करके जो है सारे डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो है स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सेलेक्ट असेंबली, इस पर हम ओके करके आपका जो भी असेंबली आते हैं आप जिस भी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं यहाँ से इस पर ओके करके सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए दे रहा है, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे देनी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ डॉक्यूमेंट पे ओके करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप एक एक करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, अगर आपने 10th पास किया है तो पासिंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दे सकते हैं, उसके अलावा इंडियन पासपोर्ट भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे नीचे सबसे नीचे आपको अदर्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे में अदर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे अदर्स का, और यहाँ पे आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जिस जो डेट ऑफ बर्थ जिस पे है जो मतलब एक्सेप्टेबल होगा आपका जो डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट है यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे जो भी आपके पास है, और उसको यहाँ पे नीचे में जो है अपलोड कर देंगे। लेकिन मोस्टली लोगों के पास आधार कार्ड इन सारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है सब मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा। और नीचे आने के बाद यहाँ पे अपलोड आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन यहाँ पे अपलोड करने की।
अपलोड पे हम ओके करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप डायरेक्ट आप कैमरा से भी कैप्चर कर सकते हैं अपने आधार कार्ड को, आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसको डायरेक्ट कैमरा से भी कैप्चर कर सकते हैं, या पहले से आप सेव करके रखा है गैलरी में तो वो भी कर सकते हैं। हम पहले से सेव करके रखे हैं हम, तो हम यहाँ गैलरी पे ओके करेंगे, और गैलरी पे ओके करने के बाद हम अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक खुल चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको छोटा बड़ा करने के लिए भी दे रहा है यहाँ से, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बड़ा या छोटा करके इसको आप साइज आप पहले मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर राइट टिक आपको देखने को मिलेगा कोने में, यहाँ पे इस वाले टिक को ओके आपको करना होगा। आपका जो है डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्ट हो चुका है। और याद रहे, जब आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो है जो फॉर्मेट होगा इमेज का जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB से कम होना चाहिए। मोस्टली मोबाइल से कैप्चर करेंगे तब भी 2 MB के अंडर में ही रहेगा, आप थोड़ा इसको ख्याल रखेंगे, जो इमेज होगा साइज 2 MB से कम ही रखेंगे। और उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे नेक्स्ट पे ओके करेंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में जो है आपको एक फ़ोटो आपको डालना होगा, यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट करना होगा जो कि फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, और याद रहे जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए या किसी कलरफुल, मतलब जैसे कि ब्लू हो गया, इस टाइप का आपका एक फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो जो है 200 KB के अंडर में, जो मैक्सिमम जो साइज़ है 200 KB के अंडर में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपलोड पिक्चर पे यहाँ पे ओके करते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट भी आप कैमरा से ले सकते हैं या गैलरी से भी ले सकते हैं, और यहाँ से फ़ोटो को हम सिलेक्ट करेंगे, और आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिला लेंगे यहाँ पे, और यहाँ ऊपर कोने में आपको जो राइट टिक है इस पर ओके कर देंगे, और हमारा जो फ़ोटो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद जब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन कुछ देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे जेंडर जो है सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल या फीमेल अपना जेंडर को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, आपका जो भी नाम है यहाँ पे, जैसे आप मैं लिख रहा हूँ नाम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखना होगा और हिंदी जो ऑटोमेटिक है नीचे ले लेगा। यहाँ पे आपको अब दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब हम नाम डाल रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे सरनेम डालेंगे, सरनेम जैसे यादव सिंह गुप्ता जो भी हो, आप अपना सरनेम जब यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका सरनेम है यहाँ भी वैसे ही होगा, इंग्लिश में टाइप करेंगे हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। नीचे यहाँ पे आधार का जो डिटेल है, आपका आधार नंबर है, उसको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत सारा ऑप्शन, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालेंगे। उसके बाद बोला है कि मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव, आप इस वाले ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं, अगर आपके पास है तो डाल दें। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी बोल रहा है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन आप ईमेल आईडी जो है अपना डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, जैसे कि आप सुनने में कोई दिक्कत है, आप गूंगे हैं, या कोई विजुअल कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपके बॉडी में, तो आप यहाँ पे इस वाले बॉक्स को जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बॉक्स दे रहा है, इस वाले बॉक्स को टिक आउट करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे नीचे में जो है नेक्स्ट पे ओके करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रिलेशन टाइप पूछ रहा है। जब नेक्स्ट आप करते हैं तो अगला पेज में कुछ आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे रिलेशन टाइप में रिलेशन को आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि वोटर कार्ड पे आप किसका नाम आप देना चाहते हैं रिलेटिव में, फादर का या मदर का या हस्बैंड का या लीगल गार्जियन इन केस ऑफ ऑर्फन, तो आप यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग जो है आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे फादर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल रहा है कि इंटर वोटर आईडी नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। अगर आप जो भी रिलेटिव आप ऊपर में सिलेक्ट किए हैं उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो यहाँ पे एपिक नंबर डालेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। और नीचे आने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि नेम ऑफ रिलेटिव, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेम ऑफ रिलेटिव, तो नेम ऑफ रिलेटिव में नेम ऑफ रिलेटिव में इंग्लिश में यहाँ पे टाइप करेंगे, सेम प्रोसेस है आगे की तरह, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। जो भी रिलेटिव आपने ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं उनका नाम यहाँ पे इंग्लिश में डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। नीचे लास्ट नेम, ऊपर जो है फर्स्ट नेम डालेंगे, और नीचे में यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे, वो भी इंग्लिश में डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे ओके करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपको अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करने के लिए दे रहा है, आप देख सकते हैं एक एक करके जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे
सबसे पहले जो है आपका जो अपार्टमेंट नंबर जो है आपका जो है आपका जो घर नंबर है आपका जो अपार्टमेंट नंबर है उसको यहाँ पे टाइप करना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपका अपार्टमेंट नंबर क्या है तो आपका जो वोटर कार्ड आपके घर में किसी रिलेटिव का होगा उसमें आप देख सकते हैं बैक साइड जो एड्रेस जो जिसमें लिखा होता है वहाँ पर जो है आपको आपका जो अपार्टमेंट नंबर जो घर नंबर है आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना अपार्टमेंट नंबर को डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी मोहल्ले में आते हैं उस मोहल्ले का नाम यहाँ पे लिखेंगे, आपका जो है हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे विलेज से अगर गांव से आते हैं तो यहाँ पे आपका विलेज का जो नाम होगा तो आप विलेज के नाम इंग्लिश में लिखेंगे और यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। वैसे ही सेम है, नीचे आने के बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम अपना डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद पिन कोड है, उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका जो मंडल है तहसील है वो यहाँ पे डाल लेंगे। और नीचे आने के बाद जो है आपको जो है एड्रेस प्रूफ में जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं देखने को मिलेगा सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ, तो हम सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ में नीचे यहाँ पे ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एड्रेस प्रूफ के अकॉर्डिंग। आप यहाँ से एक एक करके आप देख लेंगे आपके पास जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आधार कार्ड फिर से आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड आप डाल सकते हैं, तो हम आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से अपलोड वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट कैमरा से या गैलरी से आप अपना आधार कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे ओके करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टेट सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। फिर से एक बार अपना जो है यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपना जो गांव का नाम है नीचे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो विलेज नेम है यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कब से जो है वहाँ पे आप रह रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है हम जब से रहते हैं वो वाला डेट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना डेट सिलेक्ट कर लेते हैं जब से रहते हैं यहाँ पे, जब से जन्म हुआ है तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं, इस वाले डेट को यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पे जो प्लेस है आपका जो जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उस प्लेस का यहाँ पे नाम डाल देंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पे डन पे ओके करेंगे। और जब हम डन करेंगे तो उसके बाद हमारा जो एक बार जो है यहाँ पे प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। आप अच्छे से एक बार इसको मिला लेंगे पूरा, आपने शुरू से लेके लास्ट तक जो जो आपने डिटेल यहाँ पे फिल किया है वो सारा डिटेल जो है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आप पहले एक एक करके इसको चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद ही सबसे नीचे आपको कन्फर्म का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस कन्फर्म पर ओके करेंगे। और कन्फर्म पर ओके करते ही जो है आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप कन्फर्म पे ओके करते हैं तो आपका जो है नीचे में यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, इसको आपको सेव करके रख लेना है। हम इसको सेव कर लेते हैं क्योंकि आगे में इसका जो इसी नंबर से आप अपना एप्लीकेशन को जो ट्रैक कर सकते हैं, तो हम इसको आपको यहाँ पे ट्रैक स्टेटस में जाके इसको डाल के एक बार आपको दिखा देते हैं कि आपको किस प्रकार से इसको चेक करना है। और चेक करने के लिए आपको सबसे नीचे में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सप्लोर, इस पर हम ओके करते हैं। और ओके करने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, हम इस पर जो है ओके करते हैं। और उसके बाद आपको जो रेफरेंस नंबर जो अभी मिला है थोड़ी देर पहले उस वाले रेफरेंस नंबर को यहाँ पर हम पहले फिल करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है अपने रेफरेंस नंबर डाल दिया है और उसके बाद ट्रैक स्टेटस पे यहाँ पे नीचे में ट्रैक स्टेटस पे हम ओके करते हैं। और ट्रैक स्टेटस पे ओके करते हैं आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या लिख रहा है, सबमिटेड दिख रहा होगा। थ्री स्टेप में जो है कंप्लीट होता है, पहला जो है बीएलओ अपॉइंटमेंट और फील्ड वेरिफिकेशन, उसके बाद जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट। तो बीएलओ वेरिफिकेशन जो होगा आपके जो नियरेस्ट जो आपके गांव के जो बीएलओ है उनके पास ये सारी डिटेल चली जाती है, वो आपका वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो है आप ऑनलाइन ही वोटर कार्ड को जो है अपने घर बैठे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इन सब प्रोसेस में कुछ दिनों का समय लगता है, आप वेट करना होगा आपको। और आपका जो है थोड़ी दिन बाद जो है आपका चेक करते रहना है ट्रैक स्टेटस में। और आपका जो वोटर कार्ड जब आपका यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, सभी जो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये ग्रीन हो जाएगी, उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हमारे जो आने वाले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।